क्यों साथी? ये क्या तुम बोल रहे हो? उठिए उठिए। आप अरसे में तो गए हैं? नहीं, यहाँ पर कैसे आया? हाँ, तुम मुझे टकरा गए थे और तुम्हें चोट लग गई थी और तुम भी होश हो गए थे। घबराइए नहीं, मैं यहाँ की डॉक्टर हूँ। ये लखनऊ शहर है, आपको मैं ही आने कराई हूँ। आप डॉक्टर हैं? जी हाँ, डॉक्टर जी। जी, अगर मेरी कोई बीमारी हो तो आप इलाज कीजिए और मैं कमा करके आपका सारा पैसा चुका दूंगा। मुसाफिर, इतने पैसे की क्या बात है? अरे ठीक है, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। देवी जी, आप हमारा नाम और पता जानना चाहती हैं? मेरा नाम अमर है और मैं क्षेत्र नगर का रहने वाला हूँ और मैं घर से नाराज होके यहाँ पर आया हूँ आपकी काम की तलाश करने के लिए। काम करिए कि तुमको जरूरत नहीं, पिताजी बूढ़े रहते मेरे साथ में। अपने पिताजी के साथ रहती हूँ। माँ तो मुझे बचपन में छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। पिताजी ने लालन पालन किया था और पिताजी भी बूढ़े हो चुके हैं, सिवा उनके हमारा कोई नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, कहीं मत जाइए, आप मेरे साथ रहिए, पिताजी का ख्याल भी करेंगे और मुझे और कहीं कुछ काम भी हो जाएगा। काम? हाँ, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। जो आपने ये काम का शब्द रख दिया, सुनिएगा फिर। ओए मैं की बात कहूं तुमसे जी।
समझ गए। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन देवी जी डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मोहब्बत से डर करके और मुझे अपने दिल से माछी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दे। अगर मैं डरती करूंगी आप मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। कभी नहीं अमर, आप अपने दिल में ऐसा सोचने भी नहीं कभी। लेकिन आपका नाम आशा। आशा तो ठीक है आशा, हम तुम्हारी बात को स्वीकार करते हैं और हाँ हम तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं। अच्छा, आपके लिए अगर मुझे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हंसते हंसते हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। लेकिन अगर मुझे आप ये बताइए कि आप कुछ पढ़े भी हैं कि ऐसे ही हैं? जी हाँ पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हो तो मैं तुम्हें जितना भी खर्च लगेगा खर्च लगा करके मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। नहीं आशा जी, हम इंटर तक पढ़ाई किए हैं कुछ और हमारी इच्छा है कि हम कुछ वकालत कर लेती तो अच्छी बात होती। चल ठीक है, कितने खर्च लगेगा मैं करूंगी। ओके, आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो मैं आपकी जो हो गई। जाओ सूरज को ले आओ। तुम घबराओ नहीं, अब तुम्हारे मुसीबत के दिन दूर हो गए। हमने तुम्हारी मेल मंजूर करवा करके तुम्हारे रिहाई का कागज मुझे मिल गया है। बादशाह आपने मेरे साथ बहुत परेशान किया, हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन सूरज जाने से पहले हम तुम्हें एक बात समझाना चाहते हैं कि कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि जिससे कि दोबारा फिर तुम्हें आना पड़े। शाह कभी नहीं भविष्य में नहीं सोचूंगा कि आगे ऐसा कार्य करूं। नेक रास्ते पे चलो, हमेशा गरीबों की मदद करो, ये सब क्या है? तुम जा सकते हो, ये वर्दी जो जेल की है इसे उतरवा लेना। चौ सात मेरा और सिपाही चलो इसी वक्त थाने से जीप निकालो और अपनी फोर्स तैयार करो। अब चलेंगे कृपाल सिंह के पास और कायम अगर वो अपनी हवेली में आज मुझे मिलता है तो हम उसकी औकात को याद दिला देंगे। उसके गिरेबान में हाथ डालकर उसे लाकर जेल के सलाखों के अंदर डाल देंगे। आओ हमारे साथ।